सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। खवातीन और हज़रात, मैं अहमद शकील चुगताई सर्वकाल म्यूज़िक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की शाम एक बड़ी यूनिक शाम है। इसकी बैकग्राउंड हम आपको बयान करते आ रहे हैं। यह आपके इल्म में है कि सर्वकाल म्यूज़िक सोसाइटी ऑफ कैलगरी हर साल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक फेस्टिवल मुनक़द करती है, और आज से पहले, इस साल से पहले तक तो ये दो दिन का फेस्टिवल मनाते रहे हैं हम लोग, लेकिन इस मर्तबा क्योंकि कोविड की वजह से ज़िंदगी अब चेंज हो गई है, तब्दीली हो गई है, अब हमको इससे इसके मुताबिक ही चलना है, इसके हिसाब से ही चलना है। सो ज़्यादातर काम अब ऑनलाइन हो रहा है, और ये भी बड़ी गनीमत है कि ये फैसिलिटी हमको अवेलेबल है, वरना एक बड़ा खला क्रिएट हो जाता, एक वॉइड होता जो फिल नहीं हो सकता था। कीपिंग इन व्यू, अब इस साल सन 2020 में सर्वकाल म्यूज़िक सोसाइटी ऑफ कैलगरी ने ये डिसाइड किया कि हम दो दिन के फेस्टिवल की बजाय सितंबर का पूरा महीना, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिल द एंड टिल द 30th, हर एक दिन कोई एक्टिविटी करें और इस फेस्टिवल को पूरे महीने पे फैला दें, जो कि एक बड़ा शानदार आइडिया था। हमें हमारे दोस्तों से, आपसे बड़ी अच्छी फीडबैक मिल रही है, हमें शाबाश मिल रही है, हमारी इस अदना सी कोशिश को बड़ा सराहा जा रहा है। सो उसी सिलसिले का एक हिस्सा आज की महफिल है, और आज की महफिल इसलिए यूनिक है कि हमारे पास, हमारे साथ आज आपकी खिदमत में जिन दोस्तों को पेश करेंगे वो कैलगरी शहर के बेहतरीन शोराए कराम हैं, उर्दू ज़बान के भी और पंजाबी ज़बान के भी। सो आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे, वो आपको अपना काम सुनाएंगे, और आपको पता चलेगा कि हमारे पास कैलगरी में कितने कितने शानदार लोग काम करने वाले मौजूद हैं। किसी भी क्रिएट करने वाले के लिए पहले तो ये कि ये अल्लाह की खास देन है, रब की देन है, कुछ भी क्रिएट करने की सलाहियत हासिल करना या सलाहियत अता होना, मिलना। सो ये लोग बड़े नायाब और बड़े नादिर लोग होते हैं, और इनकी इनकी बड़ी कदर है, और इसी सिलसिले को अब शुरू करते हैं आज के इस सर्वकाल म्यूज़िक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक फेस्टिवल के ऑनलाइन मुशायरे से। और मैं इसमें निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दूंगा, और मैं फर्दन फर्दन अपने अपने मेहमानों को दावत कलाम देता रहूंगा, और मुशायरे के आदाब के मुताबिक सबसे पहले मैं अपना कलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और क्योंकि मैं पंजाबी विच कहना वा, तो तुहाडी खिदमत विच हुण पंजाबी कलाम अपना मैं पेश करांगा, और उहदे बाद फिर असी अगे प्रोसीड करांगे अपने मेहमानां दे नाल। एक नज़म है जी, अर्ज कीता है कि की होना सी की नहीं होया, छड़ दे गल पुरानी है, की होना सी की नहीं होया, छड़ दे गल पुरानी है, साडा की ये सोच लवांगे, ये भी एक कहानी है। जो मैं चाहां होवे ओ ही, ए ते किधरे लिखिया नहीं, जो मैं चाहवा होवे ओही, ए ते किधरे लिखिया नहीं, जद इस गल दी खबर है मैनू, फिर कादी हैरानी। दर्दा पीड़ा आप सहेड़ा, जिक्र तेरे नू जद भी छेड़ा, दर्दा पीड़ा आप सहेड़ा, जिक्र तेरे नू जद भी छेड़ा, तेरिया यादा ने ते एक दिन जान भी कड ले जानी है। और ये एक हस्बे हाल आज के हालात, आज दे हालात के मुताबिक, मैं भी मस्जिद बैठा रहना, तू भी मंदिर बैठा रहो, मैं भी मस्जिद बैठा रहना, तू भी मंदिर बैठा रहो, तू भी मैं भी होर भी सब अपनी कीती पानी है।
बहुत शुक्रिया। बात हो नवाज जी, पीर फकीरा ने भी दसी फेर नहीं साडे अंदर वसी, पीर फकीरा ने भी दसी फेर नहीं साडे अंदर वसी, एक नुक्ते दी गल है सारी बीबा दुनिया फानी है। आखरी दा बंद है जी, दुनिया नू किंज लारे लाना है, दौलत बन्ने लाई जाना है, दुनिया नू किंज लारे लाना है, दौलत बन्ने लाई जाना है, एना माल बना के बंदिया रोटी इको खानी। बड़ी बहुत मेहरबानी। एक गजल है जी थोड़ी इजाजत के नाल, ताजा है। अर्ज किया के जीना सौखा करके वेखा, जीना सौखा करके वेखा फेर एक होका भर के वेखा, जीना सौखा करके वेखा फेर एक होका भर के वेखा, तेरे तीकण पहुंचा किवें, तेरे तीकण पहुंचा किवें, अग दा दरिया तर के वेखा। गौर करना, तू भी रज के तीर चलावें, तू भी रज के तीर चलावी, मैं भी हिक ते जर के वेखा, दौलत हुसन जवानी हरिया, दौलत हुसन जवानी हरिया, होर भी दस की हर के वेखा। तेरे तेरे आखे लग्या रुलिया, तेरे आखे लग्या रुलिया, हुण अगे की करके वेखा, प्यार तेरे ने चक्कर चाड़े, कैसे होता प्यार तेरे ने चक्कर चाड़े, कीवे नजरां भर के वेखा, प्यार तेरे ने चक्कर चाड़े, कीवे नजरां भर के वेखा, शायद तो देखो। और मकता है इदा, रस्ता कंडे भरिया अहमद, रस्ता कंडे भरिया अहमद, इको वार गुजर के वेखा। जिन्ने दोस्त मेनू जानते ने वो एक मजाइया दी मेरे को एक्सपेक्टेशन मजाइया दी एक एक्सपेक्टेशन मेरे को बन गई है। एक एक मजाइया कथा है थोड़ी नज़र करना, फिर अगे मैं तुम एक नज़म पुरानी सुनाना। एक दिन मैं पूछया गूगल नू, एक दिन मैं पूछया गूगल नू कुछ मेरे यार दे बारे दस, ऑनलाइन है ना जो काम सारे। एक दिन मैं पूछया गूगल नू कुछ मेरे यार दे बारे दस, मेनू होर भी कम ने कहन लगा, तू वेला बंदा उठ चल नस। अच्छा जी, एक एक नजम है पुरानी है, लेकिन एक दोस्त के नाल गल हो रही थी, उन्होंने कहा जी यह नज़म जरूर सुनाना जी, ये मेरी खास फरमाइश है। तो उन्होंने दोस्त से मैं बड़ा एहतराम करना, उन्होंने एहतराम में तुहाडी सब की इजाजत के नाल जी। अच्छा, जग दी बेगम पेके गई है, जग दी बेगम पेके गई है, किन्नी ठंड कलेजे पई है, जद्दी बेगम पेके गई है, किन्नी ठंड कलेजे पई है, मेरी गल नू पल्ले बन्नो, खुशी दा एहो कुलिया सही है। नहीं जे करनी मैं घरदारी, अच्छा धोनी कटनी नहीं तरकारी, नहीं जे करनी मैं घरदारी, धोनी कटनी नहीं नहीं तरकारी, हरदम भांडे हरदम चुल्ला, इन्नी टेंशन कानू लईए। कर गई हुक्म सफाई रखना, घर विच बौकर लाई रखना, कर गई हुक्म सफाई रखना, घर विच बौकर लाई रखना, आपां बौकर नहीं जाए लानी, जिथे है सी उथे पई है। पुछदे मैनू कद आएगी,
घर विच रौनक कद लाएगी, पुछ दे मैनू कद आएगी घर विच रौनक कद लाएगी, लोकां नू बस फिकर है लगी ठीक है सब के रुस के गई है। रब करे ओ होर भी रह ले, रब करे ओ होर भी रह ले, मां अपनी कोल रज के बह ले, रब करे ओ होर भी रह ले, मां अपनी कोल रज के बह ले, साडी मौजां लगियां यारो दिल वाली हुण थां थां कहिए। घर छेती नहीं जानदा रौला, रूसी नू मनाण दा रौला, घर छेती नहीं जानदा रौला, रूसी नू मनाण दा रौला, तेरे बिन ते जी नहीं लगदा टेलीफोन ते कहंदे रहिए। आखरी बंदे हीरे जिहा जवाई मिलिया जद अहमद चुगताई मिलिया। अपनी तारीफ तो करें थोड़ी सी। थैंक यू। हीरे जिहा जवाई मिलिया जद अहमद चुगताई मिलिया, तीनू कहंदी खिच के रखी पिछे बैठ के हसदी पई है। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों इसके साथ ही हम अपने मुशायरे का बाकायदा आगाज कर चुके हैं।